हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। रश्मिका के एआई वाले वीडियो पर फूहड़ मजाक बनाते दिखे लोग। मोदी जी के बारे में क्या बोल गई विदेश की ये लड़कियां। नवी मुंबई के नेरूल रेलवे स्टेशन में हो गया टाइम ट्रेवल और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात थोड़ी अलग वाली गोपी बहू की। इंटरनेट अजीब चीज़ों का भंडार है। लोग ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते बतियाते नजर आ जाते हैं कि मन घिना जाता है। ऐसा ही मन घिनाया लोगों की एनिमल फिल्म की हीरोइन रश्मिका के बारे में सोच को देखकर। आपकी मेमोरी को थोड़ा दौड़ाते हैं। कुछ दिन पहले ही रश्मिका का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। ये इतना खतरनाक था कि सेलेब्स, आम जनता और सरकार सब साथ दिखे। बात हुई कि डीप फेक को लेकर नियम कानून भी बनाए जाएंगे। बात आई गई हो गई फिल्म आई एनिमल। इसी फिल्म में रश्मिका ने कुछ बोल्ड सीन भी दिए। लोग इन्हीं सब की तुलना डीप फेक वीडियोज से करने लग गए। एक यूजर ने ट्वीट किया कि स्क्रीन पर कपड़े उतारने से डर नहीं लगता साहब, एआई की फर्जी वीडियो से लगता है। एक ब्लूटिक वाले अकाउंट ने ड्रग के मीम फॉर्मेट में डीप फेक और फिल्म के सीन को लगाकर लिखा, डीप फेक क्यों देख रहे हो, ये लो रियल वाली देख लो। वैसे तो इसको मीम नहीं कहना चाहिए, लेकिन इन्होंने इस मीम में बाकायदे अपना वाटरमार्क भी लगाया। खुद की घटिया सोच का ऐसा प्रचार करना, वाह। एक और ट्वीट दिखा जहां डीप फेक और फिल्म वाली तस्वीरें लगाई गई और लिखा गया कि कोई अंतर नहीं है, ये भी डीप फेक है क्या। सिर्फ ट्विटर नहीं, इंस्टाग्राम पर भी ऐसी बातें चली। कुछ पैसों, बेटिंग ऐप्स और फालतू की चीज़ें प्रमोट करने वाले मीमर्स भी एक्टिव इसमें नज़र आए। एक पोस्ट दिखा जिसमें एनिमल फिल्म के सीन को लगाकर लिखा गया कि स्क्रीन पर कपड़े उतारने से डर नहीं लगता साहब, डीप फेक वीडियो से लगता है, वही बात जो यहाँ कही वहाँ कही जा रही थी। एक मीम पेज ने कैप्शन दिया, डीप फेक मैं असली वीडियो बना देती हूँ ताकि मुझे कोई ट्रोल ना कर सके। एक पोस्ट में कोई लिखता नजर आया कि ये यानी रश्मिका वही है जो एक डीप फेक वीडियो की वजह से कुछ दिन पहले रो रही थी, जस्ट सेइंग। हालांकि कुछ लोग इन लोगों से सवाल करते नजर आए। एक यूजर ने कहा कि एक शब्द होता है कंसेंट, आपने सुना है कभी। हालांकि ज्यादातर पोस्ट और कमेंट्स रश्मिका को ही बुरा बताते और उनका मजाक उड़ाते ही नजर आ रहे थे। ये सब देखता हूं तो समझ में आता है कि हम लोग अभी बहुत ही पीछे रह गए हैं। बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है लोगों का, खासकर कंसेंट, सहमति, अग्रीमेंट जैसी बेसिक चीजें या बेसिक शब्द। एनिमल की बात हुई तो उससे याद आया कि एक मीम दिखाता चलता हूं। एक पोस्ट दिखा जहां एनिमल में रणबीर के किरदार रणविजय और सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर के बीच तुलना की गई कि दोनों में से आदर्श बेटा कौन है। लिखा गया कि रणविजय पिताजी के लिए लोगों को मारते हैं तो वहीं हीरा ठाकुर पिताजी का दिल जीतने के लिए मेहनत करते हैं। रणविजय पत्नी को मारते हैं और किसी और से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो दूसरी तरफ हीरा ठाकुर पत्नी को आईएएस बनवाते हैं और इज्जत करते हैं और अपनी एक्स गौरी को भाव तक नहीं देते हैं। एनिमल के रणविजय के बारे में लिखा गया कि ये पिताजी के सामने सुट्टा और दारू पीते हैं जबकि हीरा ठाकुर पिताजी के सामने कॉफ़ी तक नहीं पीते। रणविजय बाप के पैसे से ली हुई प्लेन में सेक्स सुख से, ये जो शब्द चलता है ये लिखा गया, ये करते हैं। वहीं हीरा ठाकुर अपनी मेहनत से बस लेकर भानु प्रताप ट्रैवल्स स्टार्ट करते हैं। सही भी है, हीरा ठाकुर के नाम में ही हीरा छुपा हुआ है। अब आप बताइए आप किस तरह का बेटा चाहते हैं, रणविजय या हीरा ठाकुर। दूसरे देशों के मंत्रियों और अधिकारियों के बारे में हम भारतीयों से पूछो, गली गली में हम लोग पूरा 5 पेज का निबंध लिखने को तैयार मिलेंगे। लेकिन कभी सोचा है कि किसी और देश के लोगों से अगर पूछा जाए कि वो मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे वो लोग। इसी का उत्तर मिला मुझे नो वन केयर्स नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से। वीडियो किस देश का है ये नहीं पता, लेकिन उस विदेश में एक वॉक्स पॉप करने वाला, हर देश में वॉक्स पॉप करने वाले होते हैं, कुछ दिनों पहले मैं इसको महामारी घोषित करवाने की पिटीशन डालने ही वाला था लेकिन मुझे ललन टॉप वालों ने वॉक्स पॉप करने के लिए भेज दिया तो खुद पे ही तरस खा के मैं वहाँ पर रुक गया। सड़क में बंदा एक लड़की को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाली तस्वीर दिखा के पूछता है कि अगर किसी फिल्म में एक रोल करना हो तो आपको क्या लगता है ये क्या करेंगे। जवाब मिलता है बॉस का, किस तरह के बॉस। उसका जवाब आता है कि एक सीक्रेट एजेंसी के। लड़की आगे कहती है कि कपड़ों से वो बहुत अमीर दिख रहे हैं, एक लीडर की तरह। लड़का दूसरी लड़की से जब वही सवाल पूछता है तस्वीर दिखाकर कि अगर किसी फिल्म में एक रोल करना हो तो आपको क्या लगता है ये क्या करेंगे, तो वो लड़की कहती है माफिया बॉस। लड़की ने ऐसा क्यों कहा, इसके जवाब में लड़की कहती है कि अपनी दाढ़ी और सनग्लासेस की वजह से वीडियो मज़ेदार है, दिखा तो नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट वाला मामला हो जाएगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो देश का चेहरा है उनका चेहरा ही देख के लोगों के मन में अच्छी बातें आती हैं, भारत वालों के लिए वो भला भला सोचते हैं। मार्वल और डीसी की पिक्चरों ने कुछ और किया हो या ना किया हो, एक बात के लिए सबको एक्साइटेड कर दिया है और वो है टाइम ट्रेवल। बाकी जो बचा खुचा काम था वो यूट्यूब ने पूरा कर दिया। सैकड़ों वीडियोज मिल जाएंगे अगर आप खोजते हैं क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। मैं टाइम ट्रेवल के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, नवी मुंबई के नेरूल रेलवे स्टेशन में डॉक्टर स्ट्रेंज से पक्का कोई पोर्टल खुला रह गया होगा क्योंकि वहाँ
टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो गया। रेडिट में एक तस्वीर घूम रही है जिसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में लगी तीन घड़ियां दिख रही हैं, सब में टाइम अलग अलग है। एक में 8:48 हो रहा है, दूसरे में 8:47 हो रहा है और तीसरे में 8:50। डियर डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम जहां कहीं भी हो प्लीज जल्दी से सुधार लो, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज हम आपको मिलाएंगे रॉबिन, मेरा मतलब है रोमोलिका से। इन्होंने कुछ दिनों पहले गोपी बहू और अहम जी जैसे किरदारों को लेकर वीडियो बनाया था। ये रील रॉबिन और सक्षम द्विवेदी, जिनका यूजर नेम सक्षम द्विवेदी _ है, के बीच का कोलैब वीडियो था। इस वीडियो में अहम जी गोपी बहू को ड्राइविंग सिखा रहे हैं और हर डायलॉग के बाद धुन बजती है वही लाला ला 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 ला, जो सीरियल मजा करती थी, भूल गया कैसा लाला ला था। रील्स में देखता हूँ तो याद आ जाता है। खैर, वीडियो मज़ेदार था, तुरंत ही लपक लिया गया और फिर हो गया वायरल और बन गया ट्रेंड। इसके अलावा भी वो लंबे समय से गोपी बहू को नॉटी दिखाते हुए कई बार कुछ ज़्यादा ही टंग इन चीक टाइप्स मोमेंट क्रिएट कर डालते थे। कुल जमा असर ये रहा उन वीडियोज का कि एक ट्रेंड तो चला ही डाला। लोगों ने लाला ला वाली ऑडियो पर मीम्स बनाने भी शुरू कर दिए। गूगल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से भी इस ऑडियो में मीम बनाकर डाला गया था। अगर आप गोपी बहू और अहम जी की थोड़ी अलग लड़ाई देखना चाहते हैं तो बस रॉबिन यानी रोमोलिका के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंच जाइए और लीजिए मजे। बाकी आज के सोशलिस्ट में इतना ही, हम चलते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।